भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई मसलों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच विरोधाभास देखने को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो जब भी मौका मिलता है वो नीतीश शासन के ऊपर सवाल उठा देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल इस मामले में पहले नंबर पर हैं। संजय जायसवाल ने नीतीश शासन के ऊपर कई बार सवाल खड़े किए, लेकिन अब संजय जायसवाल के बाद दूसरे नेताओं ने भी नीतीश कुमार के शासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बात कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले मिथिलेश तिवारी की। मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार बहुसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक का कहना है कि राज्य में हज भवन से लेकर तमाम ऐसे भवनों का निर्माण किया गया, सुविधाएं मुहैया कराई गई अल्पसंख्यक समाज को, जो नीतीश सरकार जिस मामले में सबसे आगे दिखती है, लेकिन जब बात बहुसंख्यकों की आती है तो वहां पर सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिख रही है। दरअसल मिथिलेश तिवारी ने जो सवाल उठाया है वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, मतलब फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और इसमें नीतीश कुमार से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों को टैग करते हुए कहा है कि गया का जो विश्व प्रसिद्ध मेला है जहां पर पिंडदान करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं हिंदू धर्म के, उस मेले में सुविधाओं का घोर अभाव है। हमने आज तक, मतलब सरकार ने आज तक यहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, कोई भवन नहीं बनवाया। यही हाल सावन के महीने में कांवर मेले को लेकर के। मिथिलेश तिवारी यही नहीं रुके हैं, मिथिलेश तिवारी ने आगे लिखा है कि जिस तरह वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार जो है वो सरकारी भवनों का निर्माण कराती है श्रद्धालुओं को लेकर के, या अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए, उसी तरह जो धार्मिक न्यास बोर्ड है, धार्मिक न्यास परिषद है, उसकी जमीनों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि हिंदू धर्म से जुड़े जो तीर्थयात्री या दूसरे श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए। पिछले 3 दशक में ऐसी कोई कोशिश बिहार के अंदर नहीं की गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मिथिलेश तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं कुछ इसी तरह की बात 2 दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कही थी। संजय जायसवाल ने तब जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है उसको लेकर के कहा था कि देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी जो है वो बेहद दुर्भाग्यशाली खुद को महसूस कर रही है, क्योंकि उसके हिंदू देवी देवताओं का, उसके आराध्यों को अपमानित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज जो है उसको हर तरह की सुविधाएं देश में मिलती हैं, लेकिन आज बहुसंख्यक ही देश के अंदर उपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से ऐसे सवालों के उठाए जाने से जनता दल यूनाइटेड असहज हो सकती है, लेकिन तमाम गतिरोधों के बावजूद सरकार चल रही है तो देखना होगा नीतीश कुमार के ऊपर या उनके शासन पर बहुसंख्यकों की उपेक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जेडीयू क्या जवाब देती है। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, तमाम खबरें तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल की खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।